सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू जद भी तेनू लब्बां ते मिल जे मैनू तू सारे दिन दियां गल्लां बह के दसा मैं तेनू तू मैनू भुले ना कदे मैं ना भुले Welcome back to my YouTube channel that is Vlogify with Suti. So guys, today me, my mother, my father, we are going to Datia and hum wahan pe ja rahe hain Pitambara Peeth ke darshan karne. Most of the people who are from MP side definitely would have heard about Pitambara Peeth. So yes, mere father kuch mahino se every Saturday he is going to Pitambara Peeth since I am in Kanpur. So he suggested कि मैं भी चलूँ उनके साथ. So yes, today me and mama are accompanying him. Tina नहीं आ पाई because घर में whiskey है, parrot है, बहुत सारी चीज़ें हैं. So that is why Tina couldn't accompany us. So yeah, अभी हम सुबह 3 बजे निकले थे. It's 5 o'clock right now. We have taken a small halt, a tea break sort of a thing. तो उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे दतिया में. वहाँ पे आएगा 7 o'clock तक हम पहुँच जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद वी विल हेड टूवर्ड्स ग्वालियर बिकॉज मेरी मासी वो ग्वालियर में रहती है. दतिया से ग्वालियर इज अराउंड 70 to 80 kilometers. सो यस, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ग्वालियर और फिर हम लोग मासी से मिल के फिर हम लोग आज ही कानपुर वापस आ जाएंगे. सो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी टुडे, ओवरऑल अराउंड 550 to 600 kilometers in a single day. But yes, the day has started and I'll show you guys all the things that we're going to do. So stay tuned. Oh, suniya suniya raatan te raatan de vich tu jad vi tenu labba te mil je mainu tu sare din diyan gallan beh ke dassa main tenu tu mainu bhulle na kar मैं ना भुला तेनू. तेनू मैं मनावा तेरे ते मरी जावा मेरे ते तू मरे. गाइस, हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम कार में बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं ग्वालियर. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरी मौसी वहाँ रहती है. सो यस, वी आर गोइंग देयर और वी हैव आर ब्रेकफास्ट इन द कार इट्सेल्फ. तो हम यहीं पे खा लेंगे सारा चीज़ें एंड देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ग्वालियर. अभी हमने एक फिर से एक हॉल्ट लिया है टी ब्रेक और उसके बाद फिर हम ग्वालियर के लिए निकलेंगे. सो आई विल गिव यू ऑल द अपडेट्स टिल देन. एदा नहीं होंदा मैं ही करी जावां ते तू मेरा करे ही ना. तेनू मैं मनावा तेरे ते मरी जावां मेरे ते तू मरे ही ना. एदा नहीं होंदा मैं ही करी जावां ते तू मेरा करे ही ना. ओ चलिया चलिया बातां ते बातां दे विच तू जद भी तां कोई करदा बस करदा तू मैनू. मैं ही करदी गल्लां क्यों नहीं करदा तू तू मैनू भुले ना करदे मैं ना भुला तेनू. सो हियर वी आर इन ग्वालियर और मौसी को पता था कि हम लोग आ रहे हैं. सो शी अरेंज्ड अ नाइस स्टीम्ड पोहा ब्रेकफास्ट बिकॉज ग्वालियर में स्टीम्ड पोहा बहुत फेमस है और वो हमें कानपुर में नहीं मिलता है. सो यहाँ पे हम सब ने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम सब ने बहुत सारी बातें करी और बस यही सब रहा. और ये मेरे मौसी के कुछ पेट्स हैं बिकॉज शी हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक टर्टल्स एंड फिशेज एंड बर्ड्स. तो उनके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये सब देखने के बाद, बातें करने के बाद बस फिर हम वहाँ से निकल गए और उसके बाद हम गए मेरी सिस्टर के हस्बैंड दैट हैपेंस टू बी माय ब्रदर इन लॉ उनके शोरूम जो है जेनेक्स ग्वालियर में. पीपल हु आर लिविंग इन ग्वालियर उनको पता है कि जेनेक्स शोरूम कहाँ पे है और उनकी कितनी सारी शॉप्स हैं एंड इट इज़ वेरी फेमस इन ग्वालियर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो हम यहाँ पे जीजू से मिले और उनके ब्रदर्स से मिले और फिर हम यहाँ से निकल गए. और या दिस इज़ इट, बस ग्वालियर का ट्रिप हो गया था और अब हम यहाँ से निकल. बहुत टायरिंग रही है क्योंकि सुबह पीतांबरा पीठ के दर्शन हुए जहाँ का मैं कुछ भी
भी डाल नहीं पाई बिकॉज वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद मैं मौसी के घर गई, वहाँ बैठे, उसके बाद वहाँ पे कौन सा मॉल है, डीडी मॉल है कि डीपी मॉल है, डीडी मॉल है ग्वालियर में। फिर वहाँ से हमने थोड़ी शॉपिंग करी क्योंकि मैं और मम्मा ग्वालियर काफ़ी टाइम के बाद आए थे, तो हमें शॉपिंग करनी थी। उसके बाद फिर हम लोग अपने जीजू से मिले, उसके बाद हम निकले हैं। सो इट्स अ हेक्टिक जर्नी, बट अब हम खाना खाने बैठे हैं, सो खाना वाना खा के देन आई विल टॉक टू यू। ओ खेला ना कदे भी तेरे दिल नाल मैं, हर वेले रखा तेनू मेरे नाल मैं, मर जावा उत्थे जिथे तू ना मिले। सो गाइस वी हैड आवर लंच एंड हमने लंच मंगाई थी दाल फ्राई एंड सेव मसाला और रोटी, और हम अम्मा लोग ने चाय पी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट येस, अब हम लोग कानपुर के लिए निकल रहे हैं। इट्स 3:45 एंड स्टिल इट विल टेक अराउंड 1.5 hours to 2 hours फॉर अस टू रीच टू कानपुर, एंड इट इज़ ऑल टुगेदर अ वेरी हेक्टिक डे फॉर ऑल ऑफ अस। बट येस, वी इंजॉयड अ लॉट, वी विजिटेड सो मेनी पीपल, वी विजिटेड टू मेनी प्लेसेस, सो या इट वॉज ओवरऑल अ गुड डे। सो बस अब हम कानपुर जा रहे हैं एंड आई टॉक टू यू वेन आई रीच कानपुर। सो येस, बस अब हम कानपुर पहुँच ही गए हैं एंड दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग, एंड हमने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो ये व्लॉग, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग, इट विल डेफिनेटली बी कमिंग वेरी वेरी सून।